स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिक फैक्ट पे। मैं सुनी आज आपको बताने वाला हूँ सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज जो आपका मोटर होता है वो कैसे वर्क करता है और इसमें कैपेसिटर का कैसे हम कनेक्शन करते हैं, तो इस पर बात करेंगे। सिंगल फेज मोटर के बारे में बात करूंगा। तो सिंगल फेज मोटर क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारे घरों में फ़ैन होता है वो टेबल फ़ैन हो या सीलिंग फ़ैन हो, और हमारे घरों में जो हमारे चारा मशीन होती है वहाँ पर भी हम सिंगल फेज मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैं आज का आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल फेज मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं और कितने कैपेसिटर कैसे जोड़े जाते हैं, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। और मैं बता दूं कि आपको सिंगल फेज मोटर का प्रयोग समरसिबल में भी किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें दो वाइंडिंग होती हैं जिनको स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के नाम पे हम जानते हैं, इनको स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के हम नाम पे जानते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टार्टिंग और रनिंग, सिंगल फेज कोई भी मोटर हो इसमें रनिंग वाइंडिंग में आपके ज़्यादा टर्न होते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपके कम टर्न होते हैं। तो देख रहे हैं आप इसमें कुछ कम टर्न है। ये बस क्या करती है कि मोटर को स्टार्ट होने में सपोर्ट करती है। तो फिर जब मोटर स्टार्ट हो जाता है उसके बाद रनिंग वाइंडिंग अपने कार्य में करती है, अपने कार्य को पूर्ण करती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कई ऐसे मोटर होते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया जाता है जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को अलग कर देता है बाद में। पर मैं लेता हूं आपके घरों में जो नॉर्मल हम फैन सीलिंग फैन होता है या हमारे पास जो टेबल फैन होता है उसके बारे में अगर बात करें, तो उसमें दो वाइंडिंग है और दोनों वाइंडिंग के पहले टर्मिनल को क्या किया जाता है कि एक जगह लाके ट्विस्ट कर दिया जाता है, और ट्विस्ट करने के बाद जो इसके दोनों वाइंडिंग के एक एक सिरे बसते हैं इसको आप ले जाके क्या कर दिया जाता है कि कैपेसिटर जोड़ दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें 2.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर अक्सर जोड़ा जाता है, और मैं पिछले कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है ताकि फेज स्प्लिटिंग हो सके, यानी करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे हो जाए और हमारा मोटर ऐसा उसको लगे कि हमें दो फेज मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी मोटर को रोटेटिंग करने के लिए, आरएमएफ बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए दो फेजों की आवश्यकता होती है कम से कम। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं आप कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल हमने दोनों वाइंडिंग के सिरों पे, रनिंग वाइंडिंग के सिरे पे फर्स्ट वाला जोड़ दिया और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे जोड़ दिया। अब देख रहे हैं आपकी ये आपका ऐसे हो गया, टोटल ट्रायंगल बन गया एक। इसका जो हमने ट्विस्ट पॉइंट एक निकाला है दोनों वाइंडिंग के, एक ट्विस्ट पॉइंट को हम क्या करेंगे, सीधा हम न्यूट्रल दे देंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, सीधा हमने न्यूट्रल दे दिया इस पॉइंट पे लाके, और जो मोटर कोई भी है उसका रनिंग पॉइंट एक लाके हमने क्या कर दिया, उसको लाके हमने क्या दे दिया, फेज दे दिया, फेज दे दिया हमने। रनिंग वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उसको लाके हमने फेज दे दिया और न्यूट्रल लाके इसको इधर दे दिया ट्विस्ट पॉइंट पे। अब देखिए इस समय क्या करेगा कि जो मोटर है सीधे, जैसे सीलिंग फैन जिस नीचे आपको हवा प्रेस करता है तो सही एरिया में आपका क्लॉकवाइज आपका वो घूमेगा। अगर आपको सिंगल फेज मोटर की दिशा बदलनी है यानी आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको इस पॉइंट से हटा के इसको यहाँ से जोड़ देना है, यानी जो फेज है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे लाके दे देना है। तो इससे क्या होगा कि मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो सिंगल फेज मोटर कैसे वर्क करता है, उसकी वाइंडिंग कितनी होती है आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो ही वाइंडिंग की जाती है, स्टार्टिंग और रनिंग, और जो मोटर घूमता है तो रनिंग वाइंडिंग पे वर्क करता है और स्टार्टिंग समय स्टार्टिंग वाइंडिंग इसको घूमने में, स्टार्टिंग के समय स्टार्ट होने में मदद करता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। और इसमें मेन क्या होता है कि 2.5 माइक्रोफेरेट का जो सीलिंग फैन होता है उसमें 2.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो आज मैंने आपको पूरी बात बताई सिंगल फेज मोटर में, और इसमें कई ऐसे पॉइंट है जो बड़ी सिंगल फेज मोटरों में आपको अभी बताना बाकी है, तो आने वाले वीडियो में मैं उसको भी बताऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक करिए, और चैनल आपका चैनल है चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।